क्या आपने कभी देवी देवताओं को देखा है? मैंने तो नहीं देखा, पर मैंने देखा है। और आज मैं आप लोगों को वही चीज दिखाने वाला हूँ, कैसे एक सुपर नेचुरल पावर्स होती है, कैसे लोगों के शरीर पे देवी देवताओं का आना होता है। पूरा वीडियो पे बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनने वाला और बहुत ही रहस्यमय वीडियो बनने वाला। दोस्तों नमस्कार, मैं चिंता हुई जयपुरी और मैं विवेक साहू भाई, आप सबका स्वागत करते हैं एक और नए वीडियो में। अभी हम लोग जा रहे हैं सिहावा, रायपुर से 130 किलोमीटर दूर है, और सिहावा वही जगह है जहाँ से छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की जीवनदायी नदी मानी जाने वाली महानदी का उद्गम होता है। तो सिहावा पे जिस जगह पर हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे एक मेला होता है, कनेश्वर नाम का एक मेला होता है, और वहाँ पे जो होते हैं देवी देवताओं का जो होता है वो आगमन होता है। छत्तीसगढ़ में हम देखें कि हमारे साउथ पार्ट में जो भी है, दक्षिण जो हमारा छत्तीसगढ़ है, वहाँ से बस्तर इलाके के जो देवी देवता हैं उनका आगमन होता है, और आसपास के गांव के जो देवी देवता होते हैं उनका भी आगमन होता है। एक बॉडी पे वो अपने जो भी पावर्स हैं वो लेकर के आते हैं, और उसके बाद फिर जो होती है ना वो एक रहस्यमय चीज़ बन जाती है कि आज की डेट पे, आज के इस युग में क्या ये सारी चीज़ें भी पॉसिबल है। तो वो सारी चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं। मेरे लिए ये बहुत ही रहस्यमयी है और मेरा पहला अनुभव होने वाला है। मैं विवेक के ही एक वीडियो में देखा था ये, और मुझे तभी से जिज्ञासा थी कि भाई मुझे भी देखना है करके। अभी हम लोग बहुत ही खूबसूरत अभ्यारण्य क्षेत्र से गुजर रहे हैं, और यहाँ से सिहावा लगभग और 25 किलोमीटर दूर है। मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, बदली छाई हुई है, और नज़ारे तो आप देख ही सकते हो। तो हम लोग पहुँच चुके हैं सिहावा नगरी, और आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, और हम लोग कार अपनी पार्किंग तक भी नहीं लेके जा पाए। तो यहाँ पे नहीं, एक्चुअली हम लोग पार्किंग से कुछ ज़्यादा ही अंदर आ गए हैं, मतलब कार पार्किंग में रहनी थी लेकिन हम लोगों ने अंदर ले आए। तो किसी प्रकार से यहाँ पे कार पार्क किए हैं हम लोग, और यहाँ से कितना किलोमीटर है विवेक? बस ऐसे ही है, अंदर ही चलते हैं, बस अभी दिखाते हैं। तो क्राउड देख के आप समझ सकते हो कि ये कितनी मान्यता है इसकी। जैसे ही हम अंदर की तरफ गए हमें बहुत से डांग दिखने लगे। अब हम आपको बताते हैं कि डांग आखिर होता क्या है। ये मुझे भी नहीं पता था, विवेक ने बताया। डांग एक लंबा सा बांस होता है जिसको देवताओं का प्रतिस्वरूप माना जाता है। जब कोई नया डांग बनाया जाता है तो उसे शुद्ध करके पूजा पाठ करके देवताओं की स्थापना की जाती है। इस मड़ई में हजारों की संख्या में डांग आए हुए हैं जो कि अपने अपने ग्रुप पर चल रहे हैं। डांग को पकड़ने वाले एक व्यक्ति से हमने बात की तो हमें पता चला कि इस डांग में ऐसी कोई शक्ति होती है जो इसे पकड़ने वाले को इधर से उधर हिलाती रहती है, लेकिन डांग पकड़ने वाले को इसका कुछ पता नहीं चलता है। इस मड़ई में अलग अलग जगहों से देवी देवता आए हुए हैं। जिन व्यक्तियों को फूल माला पहनाया गया है उनमें किसी न किसी देवी या देवता का आगमन हुआ है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने और जानने के लिए हमने भी एक ग्रुप के साथ चलने का सोचा, और जो हमने देखा वो अकल्पनीय था। जिस ग्रुप के साथ हम चल रहे थे उस ग्रुप पे देवी का आगमन हुआ था, जिन्हें फूल मालाओं से सजाया गया था, और जिस आसन पर वो विराजती हैं उस आसन पर बड़े बड़े कील लगे हुए थे।
जिस प्रकार से बाजे की धुन बदलती है उसी प्रकार से देवी के नृत्य करने का तरीका भी बदलता जाता है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के बहुत से मेले और मड़ई का आयोजन होता है। छत्तीसगढ़ की धरती रहस्यों से भरी हुई है, जहाँ प्राचीन काल से ही देवी देवताओं और ऋषि मुनियों का वास रहा है। छत्तीसगढ़ की भूमि श्री राम जी के वनवास का भी साक्षी रही है। अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।